मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने कि अचानक से जथू को क्या हो गया है। कल रात को वो आपके साथ था, कुछ बताया क्या उसने आपको? कैसे बताऊं कि यथू ऐसा क्यों कर रहा है? शायद वो आकांक्षा के आखिरी दिनों में उसके साथ रहना चाहता है। हेलो मम्मी जी। नहीं बेटा, मुझे तो कुछ नहीं बताया, लेकिन रह लेने दो आकांक्षा को वहाँ, वो अब तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं पहुँचाएगी, ये मेरा वादा है तुमसे। हम सबके लिए यही अच्छा होगा कि यथू अपनी माँ को दिल से माफ कर दे, उसके और आकांक्षा दोनों के मन को शांति मिलेगी। जी मम्मा, चलो मैं अपने रूम में आपका सामान रख देता हूँ। नहीं यथू बेटा, मैं आपके रूम में कैसे रह सकती हूँ? क्यों मम्मा, फिर आप कहाँ रहोगे? बेटा मैं इस घर की रूटीन खराब नहीं करना चाहती। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी मैं इस काउच पे सो जाऊंगी ना। और वैसे भी बेटा, आप इतने दिनों से जिसके साथ सो रहे थे, अब भी आप उनके साथ ही सो। लेकिन मम्मा, काउच आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, आपको दर्द। कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं मैनेज कर लूंगी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या मेरी साक्षी मम्मा मुझसे गुस्सा है? बिल्कुल नहीं। मुझे पता है आप मुझसे गुस्सा हो। मम्मा को यहाँ पे लाने से पहले मैंने आपसे परमिशन नहीं ली, तो क्या हुआ, अब ले लेता हूँ। क्या मेरी मम्मा यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रुक सकती है? अब जब आपके डैडा ने परमिशन दे दी है, तो मैं कुछ कहने वाली कौन होती हूँ। लेकिन हाँ, आप अपनी मम्मा को काउच पे मत सुलाना, तो आप उन्हें इस रूम में सुला देना। फिर आप और मालती आंटी कहाँ सोओगे? हम लोग कुछ दिनों के लिए कहीं और चले जाएंगे। फर्स्टली थैंक यू मम्मा को यहाँ पे रहने के लिए अलाउ किया आपने, एंड सेकेंडली आप दोनों कहीं नहीं जाओगे, हम सब एक साथ रहेंगे। यथू, हर बात पे जिद अच्छी नहीं होती बेटा। मेरी आपकी मम्मा के साथ इक्वेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। वो सिर्फ आपकी मम्मा ही नहीं, मानव जी की एक्स वाइफ भी है। जब वो यहाँ से चली जाएंगी तो हम लोग वापस आ जाएंगे। मैं तो उन्हें आपकी और दादा की शादी में लाने के लिए सोच रहा था। यथू बेटा, अब आप बड़े हो गए। यथू मत रो बेटा, प्लीज। आपकी साक्षी मम्मा सब समझ गई। आपको आपकी मम्मा की कंडीशन के बारे में पहले से पता था ना यथू? I'm sorry बेटा, so sorry। मैं खुद को आपकी मम्मा कहती हूँ और आपका दर्द समझ नहीं पाई। प्लीज मुझे माफ कर दो यार। मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा दर्द से तड़प रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कैसी माँ हूँ मैं। I'm so sorry बेटा, I'm so sorry। No साक्षी मम्मा, आप सॉरी मत बोलो, मुझे ही आपको सब कुछ पहले बता देना चाहिए था। I know, आप मुझे सपोर्ट करती, आप मुझ पे विश्वास करती, लेकिन मैंने आपसे बात छुपाई। कल रात मुझे बहुत बुरा सपना आया था, बहुत बुरा। मेरी मम्मा भगवान जी के पास, इसलिए मैंने आप सबसे नाराज़ी के कर जाने की जिद की। मैंने डैडा को इतना परेशान किया। साक्षी मम्मा, मम्मा की लास्ट विश है कि वो अपने लास्ट डेज में
मेरे और ठाड़ा के साथ है, पर आप कोई माइंड में करना, नहीं नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा था जब आप हमें छोड़ के जा रही थी। आपकी जरूरत है साक्षी मामा, मैं मुख संभालूंगा, पर मुझे तो आप संभालोगी ना। साक्षी मामा प्लीज आप कहीं मत जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही बेटा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि ऐसे टाइम पे मैं आपको अकेला छोड़ के जाऊंगी। मुझे आपकी कंडीशन के बारे में नहीं पता था बेटा, लेकिन अब सब पता चल गया है, और अगर अब भगवान खुद भी बोलेंगे ना तब भी मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। अक्कू, अक्कू बेटा दवाई पी ली। मम्मी दवाई पिला पिला के और कितनी दूर तक धकेलोगी मेरी जिंदगी की गाड़ी। आराम कर बहन जी। एक मैं हूं जो आपका दुख देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं, और एक आप है जो अपने सीने में इतना सैलाब लेके अपनी बच्ची की सेवा कर रही है। एक माँ 9 महीना अपने बच्चे को कोख में रखकर जब पैदा करती है तब उसकी सिर्फ एक ही इच्छा होती है, अपने बच्चे को दुनिया की सारी खुशियां मिले, उसकी उम्र खूब लंबी हो। लेकिन किस्मत से कौन लड़ सकता है, इतनी छोटी सी उम्र में ये बीमारी। मालती बहन, कहने के लिए नहीं, मैंने दिल से मानव को अपना बेटा माना है, बहुत दुख सहा है उसने अपने जीवन। हाँ मैं जानती हूँ ये वक्त नहीं है इन सब बातों का, लेकिन मैं अपनी बेटी के प्यार में स्वार्थी नहीं हो सकती। मालती बहन, मैं आपसे एक छोटी सी विनती करती हूँ, आकांक्षा की बीमारी के बारे में मानव को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आकांक्षा को कुछ हो उससे पहले मानव और साक्षी की शादी करा दीजिए, जाते जाते आकांक्षा को भी सुकून मिलेगा कि मानव और यथु की जिंदगी बस गई। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।